नोकिया 6.2 एक पंच होल कैमरा के साथ आने वाला है, यानी इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा के साथ, जिसमें सिर्फ साइड में कैमरा रहता है। और खास बात यह कि आपको एक बजट सेंट्रिक ये सस्ता होने वाला है फोन, क्योंकि बजट लिखा है, मिड रेंज नहीं लिखा है, ऐसा लीक से पता चला है। ओके, सो चलिए आज के इस वीडियो में मैं इसके लीक और स्पेसिफिकेशन और ये कब तक लॉन्च होगा सारा आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप फोन भी लेने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए एक महीना, क्या पता ये फोन आपको बजट में काफी अच्छा मिल जाए। ओके, सो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्षद गोपाल। सबसे पहले बात करें इस फोन का, तो ये फोन नोकिया 6.1 का सक्सेसर है और इस फोन में आपको पंच होल वाला कैमरा मिलेगा, जैसे कि आपको सैमसंग के M2 सीरीज में मिल रहा था सेम वैसे ही। और जहां तक बात करें इस फोन के डिस्प्ले की और इस फोन के ओवरलुक की, जो कि अभी लीक हुआ है, वो दिखने में कुछ इस तरीके का है। और आप देखिए साइड में कैमरा काफी अच्छा दिख रहा है। नोकिया पावर यूजर करके पर्सन है, उसने ट्वीट करके बताया कि अंडर बजट होने वाला है। और क्या क्या स्नैपड्रैगन है मैं आपको आगे बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो आपको डिस्प्ले पता चल गया। अब आगे स्नैपड्रैगन की तरफ, तो इसमें आपको 632 का चिपसेट मिलेगा स्नैपड्रैगन का। अब बजट के हिसाब से ये तो ठीक है, चलो 600 की पंच होल वाला डिस्प्ले मिल रहा है तो ये नया ट्रेंड में एंटर कर रहा है नोकिया, तो काफ़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो रिलीज डेट बता रहा हूँ यार, वीडियो में बने। और ये आपको दो स्टोरेज ऑप्शन में मिलेगा, एक 4GB और एक 6GB रैम वाला। 4GB रैम है यानी मेरे ख्याल से इसमें 32GB इंटरनल और एक में 64GB वाला मिल सकता है इंटरनल। ओके, और इसमें आपको बैक में डुअल कैमरा मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। फ्रंट का क्या कैमरा अभी उसका कोई पता नहीं है। और हाँ, ये गूगल का प्रोजेक्ट है यानी एंड्रॉयड 1 का प्रोजेक्ट है, जो कि आपको पता है। इसमें अब आपको सिंपल बात है स्टॉक एंड्रॉयड मिलेगा, वो भी एंड्रॉयड पाई, क्योंकि अब गूगल का प्रोडक्ट है तो ओरियो तो डालेगा नहीं, जो लेटेस्ट है उसी को ही डालेगा। ओके, तो अब बात करते हैं इसकी रिलीज डेट की, जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था। तो ये होगा लॉन्च आपका इसी फरवरी में। ओके, तो ये फरवरी तक लॉन्च हो सकता है ऐसा इस लीक से पता चला है। तो देखते हैं ये कब तक लॉन्च होता है और देखते हैं इसका प्राइस क्या होगा। बजट तो बोल रहे हैं बजट ही होना चाहिए अब, जैसे कि लीक से पता चला है। अब देखिए ये लीक है तो कंफर्म नहीं है कि ये सेम ऐसा ही रहेगा, क्या पता ये मिड रेंज भी हो सकता है या फिर बजट भी रह सकता है। तो नोकिया वापस से अपने मार्केट में आने लगा है। ओके, सो काफ़ी अच्छा पंच होल वाला लॉन्च कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है, वो तो लॉन्च में ही पता चलेगा। ओके, सो बस यार वीडियो यहीं तक था। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना मत भूलेगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम अर्षद गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।